हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ओडिशा रे न्यू वीडियो को आपण मानको स्वागत। तबे फ्रेंड्स, आज मने एसी आपण मानको पई क्वेश्चन एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड उपरे जो मुटा के आपण मानको डिमांड उपरे आपण माने डिमांड करथिले जे बारंबार खाली इंग्लिश रे ही क्वेश्चन करंतु, तो सेई तार उपरे ही म आपण मानको पई इंग्लिश रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै एसी। आ एगुडा को सब होला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मीन्स एगुडा मन रखिबा क्वेश्चन। तो मु आपण मानको सजेस्ट करबि कि एगुडा को गोटोडे नोट कर दियंतु, सपोज माने एई कमीशन सेटा केबे हेछि तार रिपोर्ट कोन, तो एगुडा को सब मन रखिबा क्वेश्चन। तो ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपण मानकर आसे, मु सेई थ्रू क्वेश्चन एथरे डिस्कशन करूछि। तबे चालंतु आरंभ करबा आज रे वीडियोटी। तबे वीडियोटी आरंभ करिया पूर्वरु जदि आपण माने एजुकेशन ओडिशा को सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करंतु। तबे चालंतु आरंभ करिबा आज रे वीडियोटी। फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर अछि, एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। एजुकेशन होची गोटे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जोटा कि नेशनल डेवलपमेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रे आमर बहुत डेवलपमेंट रे हेल्प करे। दिस स्टेटमेंट ऑन एजुकेशन इज गिवन बाय, हला ए स्टेटमेंटटा किए देथिले देखंतु, म आपनको राइट आंसर टा ही कहूची। सेटा हला एनपीई 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, हला से कहिथिले जे एजुकेशन इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1968 फॉर रिव्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। किए चेयरमैन थिले नेशनल एजुकेशन कमीशन रो जोटा कि 1964 रे हेतिला, सेतबेले नेशनल एजुकेशन सिस्टम को आमर रिव्यू करिया पई हेतिले। तो तार आमर थिले डीएस कोठारी थिले तार चेयरमैन। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाज सेट अप टू फ्रेम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन ऑर्डर टू फॉलो द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। देखंतु आमर इंडिया रे फर्स्ट टाइम आमर कमिटी हेथिला आमर पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को नेकिरी नेशनल एजुकेशन को एमिति एजुकेशन करा हबो जोटा कि सेटा नेशनल डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो। से कमिटीटा केबे गठन करा हेथिला, से कमिटीटा आपण मानकर गठन करा हेथिला 5th एप्रिल 1967 हला 5th एप्रिल 1967 जोटा कि पार्लियामेंट रो कमिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रो मेंबर मानकु नेकि हेथिला। त नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमिटी सेट अप फॉर द ड्राफ्टिंग रिपोर्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1967। देखंतु नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा कि 1967 रे हेथिला तार चेयरमैन किए थे, तार जो ड्राफ्टिंग कमिटी हेथिला तार चेयरमैन किए थे। ठीक आंसर टी होची गंगा शरण सिन्हा तार चेयरमैन थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राममूर्ति रिपोर्ट ऑफ 1990 लेट डाउन द एम्स ऑफ एजुकेशन इज आर। देखंतु राममूर्ति रिपोर्ट जोटा कि 1990 रे हेथिला तार एम्स ऑन एजुकेशन तार एम्स कौन थिला तार लक्ष्य कौन थिला, तार होची आंसर हला बोथ ए एंड बी साउंड नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट बी टेक्नो इनफॉर्मेटिव। बुझेला से साउंड नॉलेज बेस हबो आउ टेक्नो इनफॉर्मेटिव भी हबो, हला बोथ हमरो कहिथिले राममूर्ति रिपोर्ट। कोठारी कमिशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, कोठारी कमिशन रो रिपोर्ट आपण मानकर केबे पब्लिश हेतिला, हला कोठारी कमिशन रिपोर्ट आपण मानकर 1966 रे पब्लिश हेतिला। एटा बहुत इंपोर्टेंट कोठारी कमिशन एटा क्वेश्चन आसे, सेटा हला 1966 रे पब्लिश हेतिला। परवर्ती क्वेश्चन, मे कमिटीज एंड कमिशन्स ऑन एजुकेशन वेयर अपॉइंटेड एंड दिस गेप्स क्लोज लुक टू, हला एटा होची मेनी कमिटीज एंड कमिशन एजुकेशन रे हेछि से माने कहा उपरे बेसी फोकस करछंदी, से माने बेसी दे जेहेतु एटा एजुकेशन रो हेछि कमिटी, तो से माने एजुकेशनल प्रॉब्लम उपरे फोकस करिवे, तो आंसर इज द एजुकेशनल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आमर एनपीई 1986 ऑल्सो एम्फासाइज्ड ऑन, कहा उपरे 1986 रो जो पॉलिसी हिथिला से कहा उपरे ऑल्सो माने एजुकेशन उपर तो करिथिला ता छडा आहुरी मध्ये कहा उपरे एम्फासाइज करथिला, सेटा हला आपण मानकर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एटा मन रखंतु से मध्ये एजुकेशन उपरे फोकस करिवा सहित से आपण मानकर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग उपरे मध्ये फोकस करथिला। तबे परवर्ती क्वेश्चन,
The National Policy on Education focused on National Policy on Education जो NPE आमर जत्ते गुड़ा है ची सबु से कहाँ उपरे focus करी ची social well-being, creativity of individual, competence of individual देखों तो एट answer है ला all of these ये सबु जग उपरे आमर NPE focus करे social well-being कोड society रो develop हो individual रो creativity भी बढ़ी हो और competency भी individual रो तार सबु competency भी बढ़ी हो से सबु कौशल शिक्षा लाभ करी हो नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रिपोर्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन एनपी रो हमर रिपोर्टटा केबे पब्लिश हेतिला एनपी रो रिपोर्टटा 1986 रे पब्लिश हेतिला द स्टूडेंट शुड स्टडी नेशनल कॉन्शसनेस थ्रू हला स्टूडेंट कहा द्वारा नेशनल कॉन्शसनेस बा तार जो जातीय कॉन्शसनेस माने तार हमर नेशन उपरे तार कोन दायित्व रहिछि से कोन पढिले जानि परिबो एटा हला ऑप्शन ए एंड सी से इंडियन हिस्ट्री पढिले जानि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढिले जानि परिबो नेशनल कॉन्शसनेस बा तार जातीय प्रति कोन तार कर्तव्य रहिछि रिपोर्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 स्टार्टेड एज हला एनपी 1986 स्टेटेड एज 1986 रो रिपोर्टटा हमर कोन कहे एटा हला देखंतो एटा ऑल ऑफ दिस कोन कहे ना डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग पिलाटा पाठ पढिया द्वारा तार सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ता तार डेवलपमेंट हबो डेवलपमेंट ऑफ ए स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल तार स्पिरिट भी डेवलपमेंट हबो इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू सोशल सिस्टम बोथ गोटे इंडिविजुअल टा केंति सोसाइटी को धीरे धीरे इंटीग्रेट करिवो इंडिविजुअल विथ सोशल हला केवल इंडिविजुअल रो स्पिरिट हमर डेवलप होबनी विथ सेटा इंडिविजुअल स्पिरिट ता तार केमति डेवलप होइकरी सोसाइटी रो काम रे लागिवो सेटा भी कहितिला हला 1986 रो रिपोर्ट ता देखों तो मो बारंबार कहछि उडा आपन लेखिकरी प्रैक्टिस करन तो ए जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गुडा क कले गुडा तो बुझिले होबनी उडा घोसी की मन रखिया कथा तबे नेक्स्ट क्वेश्चन आपन मानकर अछि व्हाइल सेइंग दैट एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल concession furthering the goal of socialism secularism democracy enriched in our constitution national policy on education assumes that dekhantu amara eta kon kouchi na national policy on education 1986 kon assume karuchi jete bele ki amara education ro goal socialism secularism democracy upare kuha hauchi NPE 1968 ta kon assume karuchi से आज्यूम करे सेकुलरिज्म इज द मोस्ट चेरिश्ड गोल ऑफ डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म होची मोस्ट चेरिश्ड गोल ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्वेश्चन इन नवोदय विद्यालय एडमिशन एटा सिली क्वेश्चन गोटे सहज क्वेश्चन नवोदय विद्यालय रे को क्लास रो एडमिशन करा जाए क्लास आर मेड अंडर द स्कीम ऑफ द क्लास एटा होची क्लास 6 नवोदय विद्यालय एडमिशन टू क्लास आर मेड अंडर द स्कीम फॉर चिल्ड्रन को क्लास रु हमरो एडमिट करा जाय ना क्लास 6 रु देन राममूर्ति रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर देखंतु राममूर्ति रिपोर्ट को ईयर रे पब्लिश हेतिला राममूर्ति रिपोर्ट गोटे एजुकेशनल रिफॉर्म पई हेतिला सेटा आपनकर 1990 रे पब्लिश हेतिला राममूर्ति रिपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय इज हला हम इज इन इंडिया एटा छाड़ दीजिए इंडिया रे केतोटी नवोदय विद्यालय रही देखंतु एटा होची हमर क्वेश्चन टा टिके भूल अछि ऑप्शन सबुतक भूल अछि हमर टोटल इंडिया रे आपन देखबे गूगल रे सर्च करिक भी देखि परिबे आपन टोटल इंडिया रे आपन मानकर 576 टा हमर नवोदय विद्यालय रहउछि हला भारत रे सबु डिस्ट्रिक्ट रे गोटे गोटे रहउछि किंतु ओनली हमर हरियाणा एंड महाराष्ट्र रो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे दीटा लेखा अछि किंतु आउ इंडिया रो सबु डिस्ट्रिक्ट रे गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन ऑफ द लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशनल फिजिकली एंड मेंटली हैंडिकैप्ड इन बोथ रूरल अर्बन एरियाज हैज बीन मेड इन हला हमरो जोटा हमरो एजुकेशनल फिजिकल मेंटली हैंडिकैप्ड पिला रहउछन्ती तांको पई प्रोविजन हमरो को कमिटी बेसी हमरो प्रोवाइड करिछि हला सेटा हला आपण मानकर बोथ ए एंड बी आपण एनपी आ राममूर्ति रिपोर्ट दियन जक हमर फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशन फॉर द फिजिकल मेंटल हैंडिकैप चिल्ड्रन हला तांको ऊपर फोकस करथिले आ एगुडा सब मन रखिया वाला क्वेश्चन
स्कॉलरशिप्स फॉर द टैलेंटेड एंड ब्राइट स्टूडेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर देखंदो हमर जो स्कॉलरशिप मिलुची टैलेंटेड आ ब्राइट स्टूडेंट मानको सेटा को ईयर रे एस्टैब्लिश हे छि एटा हला 1960 रे एस्टैब्लिश हे छि द कोठारी कमिशन वर्कड वाज सेट इन द ईयर कोठारी कमिशन रो वर्क हमर को ईयर रे प्रथमे स्टार्टिंग हेतला सेटा होची 1964-66 कोठारी कमिशन 1964-66 रे काम करथिला द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वाज पास्ट इन द ईयर देखंतु अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट एटा भी इंपोर्टेंट एटा को ईयर रे फर्स्ट पास हेतला एटा हला 1955 रे पास हेतला हला अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट मुदालियर कमिशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज सेट अप इन मुदालियर कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन पई केबे सेट अप हेतला 1952 रु 53 रे हमर मुदालियर कमिशन सेटअप होइतला द 1952 53 सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन इंडिया रेकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द एजुकेशन हमर जो 52 53 रे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन होइतला से को पैटर्न ऑफ एजुकेशन कहितला से हला 12th तापरे प्लस 3 बुझैला 12th तापरे प्लस 3 पारे सेटा हमर ভাগবটা হয়ে গেল 10th 12th + 3 এবে চালিছি সেতবে খালি 12th তারপরে গ্রাজুয়েশন তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দ 1964-66 ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন হাজ রেকমেন্ডেড দ্যাট 1964-66 র ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন কোন রেকমেন্ড করেছিল সে রেকমেন্ড করেছিল কি অপশন এ দ সিস্টেম অফ স্ট্রিমিং ইন দ স্কুলস অফ জেনারেল এডুকেশন এট ক্লাস 9 স্টেজ শুড বি গিভেন আপ हला द सिस्टम ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ स्कूल ऑफ जनरल एजुकेशन क्लास 9 स्टेज रे दिया जीबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हमर गोटे स्टेटमेंट देथिले ए न्यू एजुकेशन वुड मेड सो द एज प्रिपेयर इंडियंस फॉर द 21st सेंचुरी इंडियन मन को 21st सेंचुरी पई प्रिपेयर करिया पई प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गोटे हमर न्यू एजुकेशन सिस्टम ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଇ କେବେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର 1985 ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫର 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ପ୍ରିପେୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫର 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ 1968 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द टीचर 1968 रे हमर टीचर रो को एस्पेक्ट को हमर फोकस करथिला 1968 रो अडॉप्ट करथिला हला 1968 रो जो एनपी हेथिला सेटा टीचर मानकर को स्ट्रेस को अडॉप्ट करथिला सेटा होची ऑप्शन बी आपण मानकर एडिक्वेट एमोलमेंट एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर द टीचर एमोलमेंट कहले हमर जोटा सैलरी हला टीचर को सैलरी एवं टीचर को एकेडमिक फ्रीडम ऊपर एनपी ଆମ 1968 ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ କେବେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 1952 ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏ ଏଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ଡକ୍ଟର ଏ ଏଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ଥିଲେ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ 1952-53 ଇଜ୍ ପପୁଲାର୍ଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ 1952-53 ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମୁଦାଲିୟର ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଦାଲିୟର କମିଟି ବୁଝିହେଲା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା 1952-53 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତା'ର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତା'ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଏ ଏନ୍ ବାସୁ ଶ୍ରୀ ଏ ଏନ୍ ବାସୁ ଶ୍ରୀ ଏ ଏନ୍ ବାସୁ ଥିଲେ ତା'ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡିଂ ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ସେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଥିଲା ସେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 29th 1953
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି, ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲି କ'ଣ? ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫର୍ ଅଲ୍, ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଫର୍ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ ଅଲ୍। ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍, ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାହାର ଆଉଟକମ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ? ଦ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଲେଜ୍, ହେଲା ଦ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଲେଜ୍, ସେଇଥିରୁ ଆମର କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆଉଟକମ୍ ହେଇଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ମୁଁ 32 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁଟା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।